बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में लेखा शास्त्र विषय में लेखांकन एक परिचय भाग 3 व 4, कक्षा 12 में व्यवसाय अध्ययन विषय में प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर प्रबंधकीय पदानुक्रम, गणित विषय में संयुक्त फलन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेखा शास्त्र क्लास 11 पढ़ा रहा हूँ और ये एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है। मेरे प्यारे बच्चों, हम इससे पहले 2 पाठ पढ़ चुके हैं, अब हम तीसरे पाठ की ओर चल रहे हैं जो पहले चैप्टर का तीसरा पाठ है। जिन विद्यार्थियों ने 2 पाठ नहीं देखे हैं, मैं उन्हें बोलूँगा कि तुरंत वो 2 पाठ देख लें और उसके बाद इस तीसरे पाठ की ओर चलें। शुरुआत करते हैं तीसरे पाठ की, लेखांकन की गुणात्मक विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ लेखांकन क्या है, लेखांकन का क्या इतिहास रहा है और लेखांकन की क्या प्रकृति रही है। शुरू करते हैं लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। हम यहाँ इन 4 गुणात्मक विशेषताओं की बात करेंगे, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता और तुलनात्मकता। इन 4 विशेषताओं के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है विश्वास, यानी लेखांकन विश्वास पर आधारित है। लिखा हुआ है सूचनाएं अशुद्धि व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए। हम इससे पहले जो वीडियो था उसमें पढ़ रहे थे कि सूचनाएं सूचना के उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण योगदान है भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में। तो जो भी सूचनाएं तैयार हों वो कैसी हों, अशुद्धि यानी उनके अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो, वे सूचनाएं जो तैयार की गई हैं वो शुद्ध सूचनाएं हों, व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त। कई बार हमारा जो लेखाकार है, हमारा जो अकाउंटेंट है, वो किसी व्यक्ति की बातों में आकर उस व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया है उसमें आकर उन सूचनाओं को क्या करता है, बदल देता है। तो व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए, उन सूचनाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, वही दर्शाना चाहिए जो अपेक्षित है। जो सूचनाओं के माध्यम से व्यक्ति दिखाना चाहता है, जो हमारा व्यापारी जो प्रदर्शित करना चाहता है, वही उन सूचनाओं में दिखाया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। सूचनाएं विश्वास के योग्य होनी चाहिए। सूचनाओं को देखकर कोई भी व्यक्ति जो उन सूचनाओं से कुछ निर्णय लेना चाहता है उसे उन पर विश्वास हो जाना चाहिए। सूचनाओं में कोई भी किसी भी प्रकार की काट छाट नहीं की जानी चाहिए, उसमें ओवरराइटिंग बार बार उसको लिखा नहीं जाना चाहिए। अगर उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि हो गई है तो अशुद्धि सुधार एक हमारी प्रक्रिया है, उसको अपनाकर उन सूचनाओं के अशुद्धियों को दूर किया जाना चाहिए। कभी भी उन सूचनाओं में काट छाट नहीं किया जाना चाहिए, ओवरराइटिंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन सूचनाओं को देखकर उन पर विश्वास नहीं होगा। आगे हम चले प्रासंगिकता। सूचनाएं तभी प्रासंगिक होगी जब ये समय पर उपलब्ध होगी। कहा जाता है जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता आज है, अगर उससे ऑक्सीजन आज ना मिले तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अगर मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मुझे 3 दिन बाद यदि ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या वो ऑक्सीजन मेरे काबिल है, मेरे लायक है, उसकी ज़रूरत मुझे है
नहीं है। तो सूचनाएं तभी प्रासंगिक होगी जब समय पर उपलब्ध हो, पूर्वानुमान लगाने प्रत्युत्तर देने में होगी, यानी उन सूचनाओं को हम समय पर प्राप्त कर ले, और जो पूर्वानुमान भविष्य के लिए हमें अनुमान लगाने, वो अनुमान लगाने में हमारी क्या होंगी, सहायक होंगी, प्रत्युत्तर देने में सहायक होंगी। किसी बात का उत्तर, प्रत्युत्तर का मतलब होता है कि किसी प्रश्न का वापस हमें जवाब देना, उसमें वो सूचना सहायक है तभी वो प्रासंगिक, अन्यथा नहीं। सूचना की प्रासंगिकता के लिए इसके उपयोगकर्ताओं के निर्णय को निम्न द्वारा प्रभावित करना अनिवार्य, यानी वो जो उपयोगकर्ता हैं उनकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि उन्हें किस प्रकार की सूचनाओं की जरूरत है। भूत, भूतकाल, वर्तमान, प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर की घटनाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने, करने, प्रत्युत्तर देने में सहायक होना, यानी हम उन उपयोगकर्ताओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे और देखेंगे कि उन्हें किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता है, कि क्या हमने जो सूचनाएं तैयार की है वो उनके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो भी उन्हें निर्णय लेने, उन जो भी प्रत्युत्तर देने, क्या उसमें सहायक है। अगर नहीं है तो प्रासंगिक नहीं है, अगर ये सब काम करने में सहायक है तो प्रासंगिक है। पिछले मूल्यांकन की पुष्टि अथवा उसमें संशोधन करना, हमने जो पिछला मूल्यांकन किया है, हम देखेंगे कि हमारे उपयोगकर्ताओं ने उन सूचनाओं का कहाँ उपयोग किया था, उसमें क्या क्या हमसे त्रुटि रही है, उस त्रुटि में हमें क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। बोधगम्यता, बोधगम्यता से आशय है कि जो लोग निर्णय लेते हैं उन्हें लेखांकन को, सूचनाओं को उसी संबंध में तैयार किया जाता, प्रस्तुत किया गया है जिसमें वो समझना चाहते हैं, यानी सूचनाओं की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। बोधगम्यता का मतलब है सरलता, कि जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं कैसी होनी चाहिए, सरलतम भाषा में होनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा किसी, कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है और मैंने कहा एक व्यक्ति लगातार दौड़ता हुआ जा रहा है और मैंने ये बात बोली, पढ़े प्यारे बच्चे, पढ़ के देखे क्या लिखा हुआ है। आप लोगों के दिमाग में शायद हो सकता आ रहा हो रोको मत जाने दो, आप बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा रोको मत जाने दो। मैंने ये कहा नहीं है कि वो दौड़ता हुआ व्यक्ति है तो उसे रोको मत जाने दो, नहीं, मैं यह भी तो कह सकता हूँ रोको मत जाने दो। यानी भाषाएं जो हमने सूचनाएं प्रस्तुत की है वो द्विअर्थी सूचनाएं नहीं होनी चाहिए, सूचनाएं ऐसी हो जिनका एक ही अर्थ निकलता हो और जो व्यक्ति उन सूचनाओं को समझना चाहता है उन सूचनाओं को आसानी से समझ सके। किसी संदेश की वह विशेषता होती है जो अच्छे अथवा बुरे संदेश में भेद करे, संदेश की बोधगम्यता का आधार है। कोई भी संदेश तभी बोधगम्य होगा जब वो अच्छे और बुरे दोनों संदेशों का अंतर प्रस्तुत कर सकता हो, यानी संदेश में जो अंतर प्रस्तुत करने की कला है वो निहित होनी चाहिए, संदेश को पढ़कर पता लगना चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा, वही बोधगम्य है। तुलनात्मकता, सूचना के उपयोगकर्ता साधारण उद्देश्य के लिए प्रस्तुत व्यवसाय के वित्तीय प्रलेखों में प्रदर्शित विभिन्न आयामों की अन्य व्यवसाय इकाइयों से तुलना कर सकें। प्रत्येक व्यापारी संस्था चाहती है कि उसकी जैसी दूसरी कोई संस्था है तो उसकी इस संस्था के खातों से किए गए कार्यों से तुलना की जा सके। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि दो व्यावसायिक संस्थाएं जो हैं वो मेरी संस्था से तुलना कर सके। तो ये सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जो साधारण उद्देश्य के लिए दो इकाइयों में क्या की जा सके, तुलना की जा सके। लेखांकन प्रलेखों की तुलना करने के लिए ये आवश्यक है कि उनका संबंध समान अवधि व समान मापन इकाई और समान प्रारूप में किया गया हो, आप इसे स्टार लगा लें। तुलना तभी संभव होगी जो सूचनाएं हमने प्रस्तुत की है वो समान समय, यानी दोनों संस्थाओं का समय समान हो, उनमें समान मापन इकाई का प्रयोग किया गया हो और साथ ही साथ उन सूचनाओं को तैयार करने में समान प्रारूप को अपनाया
गया हो। अगर ये तीनों चीजें समान अवधि, समान मापन इकाई और समान प्रारूप अगर सूचनाओं में हैं तो आपका तुलना करना आसान हो जाएगा। ये थी हमारी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन की शाखाओं के बारे में। लेखांकन की जो शाखाएं हैं वो तीन प्रकार की है, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन। वित्तीय लेखांकन, जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों नाम से पता लग रहा है कि प्रत्येक लेन देन का वित्तीय ब्यौरा रखना, यानी जो भी हमने लेन देन किया है, कौन से लेन देन बताओ, वित्तीय प्रकृति के आर्थिक घटनाओं से संबंधित उन सभी लेन देनों का ब्यौरा रखने का कार्य वित्तीय लेखांकन में किया जाता है। लागत लेखांकन, लागत किसी वस्तु की क्या कीमत है जानना, खर्चों का विश्लेषण कर लागत निर्धारण करना, यानी कोई भी संस्था जब किसी वस्तु का निर्माण करती है तो उसकी कितनी लागत आने वाली है उसका निर्धारण करने का कार्य लागत लेखांकन के द्वारा किया जाता है। प्रबंध लेखांकन, प्रबंध यानी मैनेजमेंट, और कोई भी व्यावसायिक संस्था जब तक उसका प्रबंध अच्छा नहीं होगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, वो कार्य नहीं कर सकती, सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। तो प्रबंधकों के लिए नीति निर्णय लेना और योजनाएं बनाने का कार्य प्रबंध लेखांकन के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों लेखांकन की वे शाखाएं हैं जो लेखांकन में आवश्यक है। वित्तीय लेखांकन वित्तीय लेन देनों को दर्ज करती है, लागत लेखांकन लागत ज्ञात करती है, और प्रबंध लेखांकन प्रबंधकों के लिए निर्णय लेने और योजना बनाने का कार्य करती है। अब लेखांकन का उद्देश्य, यानी जो लेखांकन है वो किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है। व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब रखना, प्रत्येक व्यापारिक संस्था, प्रत्येक लेखापाल, प्रत्येक व्यापारी प्रबंधक अपने लेखांकन क्यों करता है, लेखा क्यों करता है, वो करता है कि व्यावसायिक लेन देनों को हिसाब को एक जगह लिखा जा सके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, इंसान की आदत है भूल जाने की, और भूल जाने से बचने के लिए, भूल को सुधारने के लिए किसी चीज को लिख लिया जाता है। लाभ हानि की गणना, आप सभी जानते हैं 90% संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है, तो जिस उद्देश्य, जिस लाभ कमाने के लिए हमने काम किया है वो लाभ हमें हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी गणना करने के लिए भी लेखांकन किया जाता है। वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, प्रत्येक संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है, मैं जो व्यावसायिक संस्था चला रहा हूँ वहाँ मेरे पास कितना वित्त है, कितने रुपए मुझे लेने और कितने रुपए मुझे देने, इसकी जानकारी प्रदर्शित करने के लिए मुझे लेखांकन की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा है, उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध करवाना, यानी उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी हम लेखांकन का कार्य करते हैं। तो ये है लेखांकन के उद्देश्य, व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब रखना, लाभ अथवा हानि की गणना करना, वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना और उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना। सबसे पहले हम आते हैं इकाई। इकाई किसे कहते हैं, यहां इकाई से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जिसका एक निश्चित अस्तित्व है, यानी वह वस्तु जिसका निश्चित अस्तित्व है। व्यवसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान की गई व्यवसायिक उद्यम से, जैसे सुपर बाजार, हायर जेनरल्स। मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में भी बताया था, संगठन, संगठन वह होता है जहां ऐसा कोई भी व्यवसायिक उद्यम जहां लाभ कमाने या न कमाने के लिए काम किया जाए। तो इकाई यानी ऐसी संस्था जिसका एक निश्चित अस्तित्व है और जो विशेष रूप से व्यवसायिक उद्यम के रूप में पहचाना जाए, यानी जिसे देखकर पता लगता हो कि यह एक प्रकार का व्यवसायिक उद्योग है। अगले बिंदु की ओर चले, लेन देन। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेनदान यानी घटना, दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है लेन देन कहलाती है। जब दो संस्थाएं दो इकाइयों के मध्य कोई घटना होगी, एक प्राप्त करने वाला और एक देने वाला, एक क्रेता और एक विक्रेता, जब दो इकाइयों या दो व्यक्तियों के बीच कोई घटना घटित होती है जिसका क्या होता है, मूल्य होता है, वो लेन देन कहलाता है। ये माल का क्रय, धन की प्राप्ति, लेनदार को भुगतान, वे आदि हो सकती है। ये एक नगद और उधार सौदा हो सकता है। अगर मैंने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा या उधार माल खरीदा है तो वो भी एक प्रकार की घटना है, आर्थिक घटना है, क्योंकि उससे मुझे भविष्य में पैसा प्राप्त होगा, तो वह एक प्रकार का मेरे लिए क्या है, लेन देन है।
परिसंपत्तियां, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसके आप स्टार्ट लगा ले, वो भी एक नहीं दो, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि एसेट्स हमारे 11, 12 और जितनी भी आप स्टडी करेंगे कॉमर्स से वहां काम आएंगी। यदि किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं, ये किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत है जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जा सकता है, परिसंपत्तियों का मूल्य होता है, तो इनका व्यवसाय के परिचालन में उपयोग किया जाता है। ये वो वस्तुएं होती हैं जो व्यवसाय के परिचालन यानी व्यवसाय को चलाने में सहायक होती हैं, जो व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं, इनका कुछ ना कुछ मूल्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं, भवन। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए भवन आपके व्यवसाय में आवश्यक है कि नहीं, यानी वह दुकान या वह जगह जहां से आप व्यवसाय का संचालन करेंगे वो आपकी क्या होगी, परिसंपत्ति। इसका कोई मूल्य होगा, होगा। फर्नीचर, आपकी जो दुकान या आपकी जो व्यवसाय जगह है वहां पर आपने पूरा फर्नीचर करवा रखा है, वो फर्नीचर भी आपके लिए क्या होगी, परिसंपत्ति। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ मूल्य होता है और जो मुद्रा के रूप में उनको प्रकट किया जा सकता है, अगर इन दोनों चीजों को मैं बेचूं तो बेचने पर मुझे क्या प्राप्त होगी, मुद्रा। यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो और इनका कुछ मूल्य होता है और व्यवसाय के परिचालन में भी क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं, वो कहलाती हैं क्या, परिसंपत्तियां, देयताएं। यहां पर भी आप स्टार लगा ले, इनको बोलते हैं लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। ये वे देनदारियां ऋण हैं जिनका भुगतान व्यवसायिक इकाई ने भविष्य में किसी समय करना है, यानी वह व्यक्ति या वह इकाइयां या वह संस्थाएं जिनको भविष्य में किसी भी समय में भुगतान करना होगा वो कहलाएंगी हमारे लिए देयताएं, लायबिलिटीज। यानी ये लेनदारों का फर्म की संपत्तियों पर दावे का प्रतिनिधित्व करती है, यानी हमारे व्यवसाय से हमसे कौन कौन पैसे मांगता है उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, देयताएं कहते हैं, क्योंकि ये लोग हमसे पैसे मांगते हैं और इनका भविष्य में कभी भी भुगतान हमें करना होगा, और ये फर्म की संपत्तियों के दावों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी संपत्तियों को बेचो और हमें क्या दो, पैसा दो। अगला है पूंजी। पूंजी को अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल। महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वामी द्वारा व्यवसाय में उपयोग के लिए जाने वाला निवेश पूंजी कहलाता है, यानी मुझे मेरे व्यापार में मैंने जितना धन जितना पैसा निवेश किया है व्यवसाय को चलाने के लिए वो कहलाएगा पूंजी। व्यावसायिक इकाई के लिए इसे स्वामी रोकड़ अथवा परिसंपत्ति के रूप में लाता है। व्यापारी चाहे तो पूंजी नगद यानी पैसे के रूप में भी लाई जा सकती है और परिसंपत्ति यानी एसेट्स के रूप में भी वो पूंजी को ला सकता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्ति पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है, यानी स्वामी का दायित्व है कि जिस दिन व्यवसाय बंद होगा उस दिन वो इस पैसे को वापस लेकर जाएगा। इसे तुलन पत्र, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट, तुलन पत्र में देयता की ओर पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। यानी व्यापारी जब व्यापार प्रारंभ करता है तो व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार में जो भी निवेश किया जाता है, धन संपत्तियां, वो सब क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। आगे चले विक्रय। विक्रय यानी सेल्स, विक्रय वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री। कुछ संस्थाएं वस्तुओं की बिक्री करती हैं, कुछ संस्थाएं सेवाओं की बिक्री करती है। सेवाओं की बिक्री कौन सी संस्थाएं, होटल। होटल में हमें क्या होता है, रहने के लिए रूम दिया जाता है, ये एक प्रकार की सेवा है। लॉन्ड्री, वहाँ कपड़े धोने की सेवा दी जाती है, या उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम है। यानी ऐसी आगम, ऐसी इनकम, ऐसी आय जो हमें माल बेचने, सेवाओं की बिक्री करने या उपयोगकर्ताओं को हमने जो सेवा प्रदान की है उसके बदले में प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, विक्रय कहलाती है। विक्रय नगद भी हो सकता है और
उदार भी, यानी तुरंत भी हमें इसके बदले में पैसा प्राप्त हो सकता है या भविष्य में भी पैसा प्राप्त हो सकता है। आगम, वह धनराशि जो व्यवसाय वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ता को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित करता है, इसे विक्रय आमदनी भी कहा जाता है। आगम का ही दूसरा नाम हम विक्रय भी कह सकते हैं, यानी सेवाओं के बदले, वस्तुओं की बिक्री के बदले हमें जो पैसा प्राप्त होगा वो आगम है। आमदनी की अन्य दूसरी मद जो अधिकांश व्यवसाय में समान रूप से प्रयुक्त होती है, यह है कमीशन, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, किराया प्राप्त आदि, आमदनी को आय भी कहा जाता है। यानी विक्रय के अलावा, विक्रय में तो क्या आ गया, माल को बेचना, सेवाओं को प्रदान करना, उसके बदले में जो राशि प्राप्त हुई विक्रय, लेकिन आमदनी आगम वो हो गई कि उसके अलावा जितनी भी क्रियाएं बची वहां से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पैसा, रकम, राशि, तो क्या कहलाएगी आपकी, आमदनी या आगम। यानी अन्य क्रियाओं से प्राप्त धन राशि, व्यय यानी कि खर्च, एक्सपेंसेस, आगम को अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत, यानी मुझे जो पैसा प्राप्त करना है, मुझे जो धन प्राप्त करना है, उस धन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो भी मेरे पास से खर्च हुआ है वो क्या कहलाएगी, लागत कहलाएगी। साधारणतया व्यय का मापन एक लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग की परिसंपत्तियों या उपयोग की सेवाओं के रूप में किया जाता है। यानी व्यय अवधि के दौरान हमने जो भी, एक सामान्य अवधि के दौरान हमने जो भी उपयोग किया है, परिसंपत्तियां या सेवाएं, उसके रूप में हमें खर्च व्यय प्राप्त होता है। इसकी जैसे कि मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज, बिजली, पानी, दूरभाष इत्यादि की लागत, यानी हमारे जितने भी हमारी व्यवसायिक संस्था के संचालन में होने वाले खर्च हैं, इन खर्चों को हम क्या कहते हैं, वे। यानी किसी भी प्रकार से आगम, पैसा कमाने के लिए हम जो खर्च करते हैं वो सभी क्या होंगे, आपके वे खर्च। किसी लाभ, सेवा तो संपत्ति को प्राप्ति पर राशि व्यय करना अथवा देनदारी उत्पन्न करना खर्च के उदाहरण है। यानी हमने कोई भी ऐसा काम किया जिसके काम करने के बदले में हमें क्या हुआ, देनदारी उत्पन्न होती है, यानी हमें कहीं से कुछ पैसा प्राप्त होगा, वो सभी क्या कहलाता है, खर्च। जैसे वेतन, सैलरी, हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके बदले में सैलरी। माल का क्रय, हमने माल खरीदा अब उसको पैसा देना है। मशीन का क्रय, हमने कहीं से मशीन खरीदी तो हमें क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। फर्नीचर का क्रय, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ गया तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। यदि व्यय का लाभ एक वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है, यानी हमने जो भी काम किया है उसका लाभ हमें एक साल में प्राप्त हो जाता है तो क्या कहलाता है, खर्च। इसे आगम व्यय भी कहते हैं। दूसरी ओर यदि खर्चे का लाभ एक वर्ष से अधिक लाभ में मिलता है तो संपत्ति माना जाता है, इसे पूंजीगत व्यय भी कहते हैं। यानी ऐसे खर्च जिनका लाभ हमें एक साल के भीतर प्राप्त होगा वो आगम व्यय कहलाएंगे, और ऐसे जिनका एक वर्ष से अधिक तक हमें मिलेगा वो पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। जैसे हमने को मशीन खरीदी, हमने को फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी तो क्या मशीन एक साल में खत्म हो जाएगी, नहीं, मशीन खरीदने के बाद वो दो चार साल, पांच साल तक हमारे पास रहेगी, यानी इस मशीन का लाभ हमें कई वर्षों तक मिलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को मैंने वेतन दिया है, किसी कर्मचारी को मैंने काम करवाया है, तो काम जब तक ही करेगा जब तक मैं उसे वेतन दे रहा हूं, यानी उसका लाभ मुझे केवल एक निश्चित समय तक ही मिलेगा, तो क्या कहलाएगा, आगम व्यय। लाभ, एक लेखा वर्ष में व्ययों पर आमदनी का आधिक्य, व्यय यानी कि खर्च, ये तो क्या है, कम, आमदनी यानी कि आय, ये क्या है, ज्यादा, तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। यानी एक वर्ष में व्ययों पर आमदनी का आधिक्य जो होगा वो होगा आपका लाभ, और इस लाभ से क्या होता है, स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है। स्वामी की पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है, अभिवृद्धि। व्यवसाय से प्राप्त की घटनाओं तथा लेन देनों से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं। यानी ऐसी कोई घटना, प्रासंगिक घटना से मतलब है कि अचानक कोई घटना हो,
कोई भी अचानक से घटना घटी तो जिसके बदले में हमें क्या प्राप्त हो, वृद्धि, अभिवृद्धि प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। अभिवृद्धि यानी अचानक से लाभ प्राप्त हो। तो अचानक से यदि हमारी घटना के घटित होने से हमें लाभ प्राप्त होता है तो ऐसे लाभ को हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। जैसे स्थायी संपत्ति का विक्रय, संपत्ति आप रोजाना खरीदते बेचते नहीं है, लेकिन अचानक से आपने कोई संपत्ति बेची और उसके बदले में आपको क्या प्राप्त हुआ, लाभ हुआ। न्यायालय में कोई मुकदमा, न्यायालय में आपका कोई मुकदमा कई सालों से चल रहा था और अचानक से उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ गया, आपने मुकदमा जीत लिया। किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि, आपकी जो संपत्तियां थी उनमें अचानक से क्या हुआ, वृद्धि हो गई। तो अचानक से प्राप्त लाभ क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। हानि, अभी अभी हमने बात की व्ययों का आमदनी का आधिक्य, यानी व्यय कम है आमदनी ज्यादा है, यहां क्या होंगे वे या खर्च क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और आय आपकी क्या होगी, कम होगी, तो आपको क्या हो जाएगी, हानि। किसी अवधि के संबंधित आगम से वे आधिक्य को हानि कहते हैं और इससे स्वामी की पूंजी में कमी आती है, यानी आपके खर्च ज्यादा होंगे, आय कम होगी, हानि हो जाएगी, आय ज्यादा होगी, खर्च कम होंगे, लाभ होंगे। बट्टा, बट्टा विक्रय की वस्तु के मूल्य में कटौती को कहते हैं, यानी आपने कोई माल बेचा 10,000 रुपए का और अब आप उसके बदले में उसे 9,000 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, तो ये जो कटौती है, ये कटौती आपके लिए क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, व्यापारी द्वारा दो प्रकार की बट्टा दिए जाते हैं, कटौती की जाती है। पहली, वस्तुओं के विक्रय पर सूची मूल्य पर 3% से कटौती, ऐसे कटौती को हम व्यापारिक छूट कहते हैं, यानी हमने कोई व्यापारी के लिए सूची बना रखी है, सूची मूल्य प्रिंट रेट MRP, आप जानते हैं MRP किसे कहते हैं, जो वस्तु का अधिकतम मूल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा जा सकता है, उस मूल्य पर यदि किसी प्रकार की कोई छूट दी जाए, कटौती दी जाए, वो भी क्या 3% से निश्चित प्रतिशत, तो क्या कहलाएगी आपकी, व्यापारिक बट्टा। और दूसरा, आपने उधार माल बेचा है और उधार माल बेचने देनदारों को आप क्या कह रहे हैं कि आप पहले भुगतान कर दें, तो उस समय आप उन्हें कुछ छूट दे देते हैं, तो ये कटौती भुगतान कटौती के समय दी जाती, इसलिए इसे नगद कटौती कहते हैं। नगद कटौती एक ऐसा प्रोत्साहन है जो देनदारों को तुरंत भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी आपने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा, वो आपको पैसे नहीं चुका रहा है, आपने निश्चित किया कि क्यों न मैं इसे छूट दे दूं और कहूं कि अगर आप मुझे अभी भुगतान कर देंगे तो मैं आपको 5% की छूट दूंगा, और उस व्यक्ति ने तुरंत हमें उस 5% को प्राप्त करने के लिए पैसे का भुगतान कर दिया, तो ऐसी कटौती कौन सी कटौती कहलाएगी, नगद कटौती। और ये क्या है, एक प्रकार का प्रोत्साहन है जो देनदारों को भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। आगे चले, प्रमाणक, किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं। प्रमाणक का अर्थ है कोई भी ऐसा विलेख, कोई भी ऐसा पत्र, कोई भी ऐसा प्रारूप जो आपके उस लेन देन का समर्थन करता हो कि यह लेन देन हुआ है। जैसे माल नगद खरीदते हैं, अब माल नगद खरीदा तो क्या सबूत है कि आपने माल नगद खरीदा, आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, कैश मेमो मिलेगा, यानी कह सकते हैं किसी भी लेन देन की सत्यता को प्रदर्शित करने वाला सबूत प्रमाणक कहलाता है। हमने उधार खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, बीजक बिल मिलता है। हमने किसी को भुगतान किया तो भुगतान के बदले में हमें क्या मिलती है, रसीद मिलती है, यानी किसी भी लेन देन की सत्यता को प्रदर्शित करने वाला प्रमाणक प्रमाणक कहलाता है। क्लियर है। आगे, माल किसे कहेंगे, जिनसे व्यवसायिक कारोबार करता है, यानी हमने उन वस्तुओं को इसलिए खरीदा है क्योंकि हम उसमें कारोबार करते हैं, अर्थात जिनका वो क्रय और विक्रय तो उत्पादन एवं विक्रय कर रहा है। सबसे पहले उसने क्या किया, वस्तु को क्रय किया, और क्रय करने के बाद उसने क्या कर दिया, विक्रय कर दिया, या उसने सबसे पहले क्या किया, उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद उसने क्या कर दिया, विक्रय कर दिया, तो वह वस्तुएं क्या कहलाएंगी,
माल कहलाएंगी। जिन वस्तुओं को उपयोग के लिए खरीदा जाता है उन्हें माल नहीं कहते। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हमने उपयोग करने के उद्देश्य से खरीदा है तो माल नहीं होगी, माल वह होगी जिसको हम वापस बेच देंगे, यानी हम कह सकते हैं विक्रय के उद्देश्य से। यानी जिन वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी, माल। क्रय एक व्यवसाय द्वारा नगद या उधार प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य जिन्हें विक्रय करने के लिए प्राप्त किया गया है। किस लिए प्राप्त किया गया है, विक्रय करने के लिए। एक व्यापारिक इकाई में माल को क्रय उसी रूप में और निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद विक्रय के लिए किया जाता है। एक उत्पादन इकाई में कच्चा माल क्रय किया जाता है। देखो जो इकाइयां व्यापारिक इकाइयां हैं वो तो क्या करेंगी, जिस रूप में वस्तु को खरीदेंगी उसी रूप में उस वस्तु को वापस बेच देंगी, जिस रूप में क्रय किया है उसी रूप में उनका विक्रय होगा। लेकिन विनिर्माण ऐसी संस्थाएं जो उत्पादन करती है वो क्या करती हैं, कच्चा माल खरीदती हैं और कच्चे माल से क्या करती हैं, तैयार माल बनाती है और तैयार माल को बेचती हैं, यानी कच्चे माल को खरीद कर तैयार माल को बेचने का कार्य करते हैं। तो जिन वस्तुओं को विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदा जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रय। आहरण ड्रॉविंग्स, तीन तीन स्टार्ट ठोक दो, या व्यवसाय में स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग, व्यापार के प्रयोग के लिए नहीं अपने पर्सनल प्रयोग के लिए निकाली गई नगद धनराशि या वस्तु आहरण है, स्वामी के विनियोग को घटाता है। यानी व्यक्तिगत प्रयोग व्यापारिक प्रयोग के लिए नहीं, केवल खुद के निजी प्रयोग के लिए कोई भी वस्तु या धनराशि व्यापार से के व्यापारी निकाल लेता है तो कहलाते हैं आहरण। स्टॉक, किसी भी व्यवसाय में जो वस्तुएं अतिरिक्त पूर्जे व मदें हाथ में होती है उनका मापन रहती है कहलाता है स्टॉक कहलाता है। यानी हमारे पास जो माल पड़ा है, जो माल रह गया है, जो वस्तुएं रह गई हैं, जो पूर्जे रह गए हैं वह स्टॉक, इसे हतस्थ रहतिया भी कहते हैं। एक व्यापारी की कायमी स्टॉक से अभिप्राय उस माल से है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बिका रह गया। यानी ऐसा माल जो बिना बिका रह गया वो बिना बिका माल क्या कहलाएगा, अंतिम स्टॉक या अंतिम स्कंद। और एक उत्पादन कंपनी के अंतिम स्टॉक में अंतिम दिन का कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित स्टॉक, उत्पादन कंपनी के पास तीन प्रकार का माल उपलब्ध होता है, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और तैयार माल। कच्चा माल जो अभी तक कच्चा है, जिसका अभी तक किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। अर्धनिर्मित माल जहां कुछ प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, माल लेकिन बेचने योग्य नहीं है। और तैयार माल ऐसा माल जिसको तुरंत ही बेच दिया जाएगा। तो उसके पास तीन प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक होता है। इसी प्रकार प्रारंभिक स्टॉक किसी लेखा वर्ष की प्रारंभिक स्टॉक राशि, वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका रह गया वो अंतिम माल होता है, और वर्ष के प्रारंभ में जो माल बिका बिना बिका रखा हुआ है वो प्रारंभिक स्टॉक होता है। देनदार, डेटर, मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। डेटर, देनदार प्राप्य खाते वे व्यक्ति या इकाइयां हैं जिनसे व्यवसायिक संस्था को उससे वस्तु या सेवा उधार प्राप्त करने के लिए बदले कुछ धनराशि लेनी है। ऐसी संस्थाएं, ऐसे व्यक्ति जिनको हमने कुछ वस्तु उपलब्ध करवाई है, कुछ सेवा उपलब्ध कराई है, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक पैसे प्रदान नहीं किए, जिनसे अभी तक धनराशि लेना बाकी है, तो जिन व्यक्तियों से धनराशि लेना बाकी है वो व्यक्ति कहलाते हैं देनदार। इन व्यक्तियों इकाइयों द्वारा कुल प्राप्त राशि अंतिम दिन तुलन पत्र में विविध देनदारों के रूप में परिसंपत्ति पक्ष में दिखाई जाएगी। यानी इन व्यक्तियों से अभी हमें पैसा प्राप्त करना है, और ये एक प्रकार के लिए हमारे क्या है, संपत्ति है कि मुझे यहाँ से पैसे लेने
है। तो वह व्यक्ति जिनको हमने कुछ सेवाएं कुछ वस्तुएं प्रदान की है और उसके बदले में अभी तक हमें कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, वह व्यक्ति कहलाते हैं देनदार। और लेनदार वे व्यक्ति या इकाइयां जिनको किसी व्यवसायिक संस्था द्वारा उनसे उधार वस्तुएं सेवा प्राप्त करने के बदले भुगतान करना है। यानी जिन संस्थाओं या व्यक्तियों से हमने कुछ माल खरीदा है उन संस्थाएं व्यक्तियों को हमने कुछ सेवाएं प्राप्त की है और अभी तक हमने भुगतान नहीं किया है, तो उन लोगों को सेवाओं के बदले भुगतान करना है। वो व्यक्ति कौन कहलाते हैं? लेनदार, यानी कि क्रेडिटर। इन व्यक्तियों इकाइयों को देय कुल धन राशि अंतिम दिन विविध लेनदारों के रूप में देयता पक्ष में दिखाई जाती है। तुलन पत्र बैलेंस शीट के दो खास हिस्से होते हैं जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो लेनदार वे व्यक्ति हैं जिनको भुगतान करना है, जिनसे भुगतान प्राप्त करना है वे देनदार, और जिन व्यक्तियों को भुगतान प्राप्त कर दे चुकाना है वो लेनदार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सभी पारिभाषिक शब्द समझ आ गए होंगे और ये सभी शब्द हमारी लेखांकन या अकाउंटेंसी के लिए महत्वपूर्ण शब्द है। इन सभी को आप ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखें, ध्यान से देखें और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी ही होंगे। धन्यवाद बच्चों। आज का अगला पाठ कक्षा 12 में व्यवसाय अध्ययन विषय में प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर प्रबंधकीय पदानुक्रम। बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर। इस चैप्टर के 4 वीडियोस हो चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रबंधकीय पदानुक्रम। ठीक है बच्चों, तो नोट्स बनाइए, कॉपी पेन निकालिए और तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम जानेंगे प्रबंधकीय पदानुक्रम होता क्या है। ठीक है, प्रबंधकीय मतलब हो गया मैनेजरियल और पदानुक्रम मतलब हो गया हायरकी या लेवल्स। ठीक है बच्चों, तो इस ये जो डेफिनेशन है ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसके अंदर हम जानेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कितने लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ पढ़ेंगे कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके कार्य क्या होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उनके कार्य क्या हैं, और लोअर लेवल मैनेजर या फर्स्ट लाइन मैनेजर उनके कार्य क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रबंधकीय पदानुक्रम का मतलब क्या होता है और उनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रबंधकीय पदानुक्रम वे प्रबंध के स्तर हैं जिसके अंदर अलग अलग जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में आदेश या संप्रेक्षण श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सीईओ है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, वो मैनेजर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, कुछ कम्युनिकेट करेगा और ये मैनेजर क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन देंगे। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेबर्स को देंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक श्रृंखला बन रही है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसके अंदर अलग अलग मैनेजर्स के बीच में आदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। और आपने ये देखा, ये एक ऐसी लंबवत रेखा है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे से जो ये इनका संबंध है वो एक सीधी या लंबवत रेखा में है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अगर हम देखें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं और ये जो लेवल्स हैं ये मैनेजर्स की सत्ता, उनका पद, उनकी स्थिति, ठीक है, उनके कितने हक हैं, उनको उनका अंतर बताते हैं और इनको हम क्या बोल देंगे, पदानुक्रम बोल देंगे या हायरकी ऑफ लेवल्स बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए वे प्रबंध स्तर जो विभिन्न प्रबंधकों के बीच में क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं या उनके बीच में एक कम्युनिकेशन की एक श्रृंखला बना रहे हैं, कम्युनिकेशन की एक चेन बना रहे हैं। और ये जो चेन है ये लंबवत होती है, देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल सीधी चेन है। तो ये जो एक ऐसी रेखा बनेगी और ये रेखा कैसी होगी, सीधी होगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, आदेश को नीचे निष्पादित किया जा रहा है या संप्रेक्षण को नीचे संपादित किया जा रहा है। और ये जो लेवल्स हैं आप देखेंगे आप यहाँ पर, ये क्या होगा, नीचे ऊपर ये ऊपर, तो ये कौन हो गए, टॉप लेवल मैनेजर्स हो गए, ये आपके मिडिल लेवल हो गए और ये आपके कौन से हो गए, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, टॉप लाइन मैनेजर्स के अलग
कार्य होंगे, उनका पद अलग होगी, उनके पास सत्ता अलग होगी, और इन चीजों का जो अंतर बताते हैं उसे हम बोल देंगे पदानुक्रम। ठीक है बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पदानुक्रम जो ये लेवल्स हैं ये कितने होंगे, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो फैक्टर्स को हम जानेंगे। देखिए बच्चों, ये संस्था के आकार पर डिपेंड करते हैं कि संस्था कितनी बड़ी है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो बहुत सारे लेवल्स होंगे। ठीक है बच्चों, नियोक्ता के दर्शन, संगठन की विशेषताएँ, उनकी सीमाएँ, और जो प्रबंध है, जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनकी कितनी क्षमता है, उनकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके पास कितने अधिकार हैं, केंद्रीकरण है ऑर्गेनाइजेशन में या विकेंद्रीकरण है, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने पदानुक्रम होंगे, कितने लेवल्स होंगे, हायरकी लेवल्स होंगे, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, जो मैनेजर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, उनके पास अधिकार कितने हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर सेंट्रलाइजेशन है तो हो सकता है कम हो या डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक संगठन में सर्वोच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर, ठीक है, तक के कर्मचारियों में कार्यों एवं उनके जो अधिकार हैं उनको विभाजित कर दिया जाता है, और इस तरीके से अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। ठीक है, और ये जो संबंध है ये कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन होती है। ठीक है, और इस तरीके से किसका निर्माण होगा, प्रबंधकीय स्तर का निर्माण होगा। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए बच्चों, मैंने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर तीन लेवल हैं। ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहले कौन आएंगे, टॉप लेवल मैनेजर्स आएंगे, फिर सेकेंड में कौन आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजर्स, थर्ड लेवल में कौन आएगा, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो कोई भी बात को कम्युनिकेट किसको करेंगे, फर्स्ट आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स को, और मिडिल लेवल भेजेंगे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के पास कोई भी इंफॉर्मेशन, और फर्स्ट लाइन मैनेजर से कहाँ पहुँचेगी, ये लेबर्स तक पहुँचेगी, जो कार्य कर रहे हैं ना श्रमिक, उनके पास ये चीज़ें पहुँच जाएंगी। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स हैं या जितने भी उनके बीच में श्रमिक हैं, उनके बीच में उनके कार्य हैं, उनके अधिकारों को विभाजित कर दिया गया है, और इस तरीके से विभाजित जब किया गया तो उनके बीच में एक ऐसी लंबवत रेखा का निर्माण हुआ, और इससे हमें पता चला अधिकारी कौन है और अधीनस्थ कौन है। देखो पहले वाले पॉइंट में देखिए, टॉप और मिडिल में ये क्या हो गया, अधिकारी हो गए, इसके लिए ये अधीनस्थ हो गए। मिडिल और अपन देखें फर्स्ट लाइन मैनेजर में, तो मिडिल लेवल में क्या होगा, ये कौन हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे, और फर्स्ट लाइन मैनेजर इनके अधीनस्थ हो जाएंगे। अधीनस्थ मतलब होता है सबऑर्डिनेट, जिसको कमांड दी जाती है, और जो कमांड देता है वो हो जाएगा अधिकारी। ठीक है, और इस तरीके से क्या, किसका निर्माण होगा, यहाँ पर प्रबंधकीय स्तर का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों उच्च स्तरीय प्रबंध का मतलब क्या होता है और इन सब के अंदर कार्य क्या क्या किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, सामान्यतः जो उच्च स्तरीय प्रबंधक के अंदर या प्रबंध के अंदर वो लोग आते हैं जो कि संगठन के, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उसके लिए नियोजन करते हैं या उसकी जो नीतियाँ हैं, नीति मतलब होता है जो प्लानिंग करी जाती है उसका निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो अगर हम बोलें उच्च स्तरीय प्रबंधक में कौन आएंगे, टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर कौन आएंगे, वो सभी लोग आएंगे जो कि संगठन के लिए नीति का निर्धारण करते हैं या प्लानिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें दो तीन नाम टॉप लेवल मैनेजर्स कौन कौन से होते हैं, तो इनके नाम देखिए कौन कौन से हैं, संचालक मंडल, अध्यक्ष प्रबंध, संचालक, महाप्रबंधक, ये सारे कौन होंगे, टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर होंगे। CEO ये भी कौन होगा, टॉप लेवल मैनेजर्स होगा। ठीक है, इनका कार्य क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका कार्य नीतियों का निर्धारण है, नियोजन करना, और इस तरीके से प्लानिंग करना कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक सही तरीके से रन कर पाए, उसका जो संचालन है वो सही तरीके से हो पाए। ठीक है बच्चों, अगर इनके कार्यों के बारे में पढ़ें तो सबसे पहला कार्य है निर्णात्मक कार्य, मतलब डिसीजन लेने का कार्य, डिसीजनल रोल्स लिए जाते हैं किसके द्वारा, टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा।
तो सबसे पहले अगर हम देखें टॉप लेवल मैनेजर्स के पास इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, वो क्या करेंगे, विचारों का उद्गम करेंगे, जो उनके पास थॉट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका इनिशिएशन होगा। तो इनिशिएशन ऑफ आइडियाज़ किसके पास हो रहा है, टॉप लेवल मैनेजर्स के पास हो रहा है, ठीक है। तो विचारों का उद्गम हुआ, फिर जो विचार हैं उनका नियोजन किया गया, उद्देश्य का निर्धारण किया गया, उद्देश्य किसके हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है, उनके जो जो होते हैं उद्देश्य, उनको उनका निर्धारण किया जाता है, प्रक्रिया किस तरीके से की उसका संरचना की जाती है, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, अधिकारियों की नियुक्ति, नीति का निर्धारण, विश्लेषण करना, जो अधिकार दिए जाएंगे जितने भी उनके जो नेक्स्ट मैनेजर्स हैं उनके जो अधिकार है उनका हस्तांतरण करना, और ये सारी की सारी चीज़ों का कार्य, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इनको कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजर्स का काम क्या होता है, नीतियों का निर्धारण करना होता है, प्लानिंग करना होता है, आइडियाज़ को डेवलप करना होता है, आइडियाज़ जो उन्होंने डेवलप किए हैं वो सही हैं या नहीं है उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना होता है, अच्छे तरीके से लोगों को हायर करना होता है जो उनको ज़रूरत है, जैसे लोगों की उनको ज़रूरत है उनका हायर करेंगे, उनको अपॉइंटमेंट करेंगे, इसके अलावा उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे और अधिकारों का हस्तांतरण करेंगे, जो उनके अधिकार हैं उनको वो ट्रांसफ़र करेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंशा ओपिनियन जानना, किसकी ओपिनियन जानेंगे, अपने अधीनस्थों की वो ओपिनियन जानेंगे, न्याय संबंधी कार्य करना, बजट का अनुमोदन करना, अनुमोदन मतलब होता है डेवलप करना, कितना बजट है ऑर्गेनाइजेशन का इसको भी वो डेवलप करते हैं, और इसके अलावा जो योजनाएं बनी हैं और जो उन्होंने प्लानिंग करी है वो और जितना एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब जो लागू हुआ है उनको जांच करना, ठीक है, एग्जीक्यूशन में उनको कितना फ़ायदा हुआ है उसकी जांच करना, मतलब जो उन्होंने प्लानिंग की है और जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है या परिणाम जो प्राप्त हुए हैं उनकी जांच करना, उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, और ये सब कार्य कौन करेंगे, टॉप लेवल मैनेजर्स करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, मध्य स्तरीय प्रबंध मतलब मिडिल लेवल मैनेजर्स या मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का होता है, ठीक है। तो देखिए, मध्य स्तरीय प्रबंध का आशय उस स्तर से है जो कि उच्च एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य होता है, ठीक है, इसके अंदर जो टॉप लेवल जो आदेश देते हैं उनको क्रियान्वित करवाया जाता है लोअर लेवल मैनेजर्स या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या श्रमिकों के द्वारा, ठीक है बच्चों। अगर हम देखें इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसके अंदर लोग आएंगे मंडल प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, उत्पाद विपणन वितरण, कार्मिक प्रबंधक या क्षेत्रीय प्रबंधक, जो सिंपल आपके डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स होंगे वो सारे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे, ठीक है बच्चों। अगर इनके कार्य देखें तो देखिए, जो नीतियाँ बनाई गई हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा उनको व्याख्या करना, उनको एक्सप्लेन करना अपने सबऑर्डिनेट को, मतलब लोअर लेवल मैनेजर्स को। दूसरा है कार्य का संचालन करना, और ये कार्य का जो संचालन किया जाएगा ये लोअर लेवल मैनेजर्स के द्वारा किया जाएगा या श्रमिकों के द्वारा किया जाएगा, तो उनको ये निर्देश देते हैं, ठीक है। तीसरा है दैनिक कार्य किस तरीके से हो रहे हैं उनका मूल्यांकन करना, उनको इवैल्यूएट करना कि वो सही तरीके से या प्रगति से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कि ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरीके से कार्य होता रहेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर उनको लगता है कि ठीक है तो वो उस तरीके से कार्य करते रहते हैं, नहीं तो वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको समझाया जाता है, उनको वापस अभिप्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रियात्मक कार्यों के संबंध में निर्णय लेने में सहयोग देना, ठीक है, जो फंक्शनल वर्क है उनके उनको उनके संबंध में निर्णय जो डिसीजन लिए जाते हैं उनमें सहयोग दिया देते हैं ये लोग। फिर देखिए, परिचालन कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, जो कार्य कर रहे हैं जो सबऑर्डिनेट लोअर लेवल मैनेजर्स के नीचे आते हैं जो श्रमिक हैं उनको मोटिवेट करने का भी कार्य ये करते हैं, ठीक है। जो पर्यवेक्षीय प्रबंधक हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं ये लोग, ठीक है, उनकी जो समस्याएँ हैं उनको सुलझारण करते हैं, शोध और अनुसंधान के लिए प्रयत्न करते हैं, अनुसंधान मतलब होता है डिस्कवरी, कुछ भी फाइंडिंग्स के लिए नए नए
कुछ नई नई चीजों की डिस्कवरी के लिए भी ये क्या करते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आइए, प्रथम पंक्ति या प्रवेक्षीय प्रबंधक। प्रथम पंक्ति होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, ये वो लोग हैं जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नीचे आते हैं या मिडिल लेवल मैनेजर्स के नीचे आते हैं। ठीक है बच्चों, और ये वो लोग हैं या इसके अंदर वो कार्य किए जाते हैं जो कि ऑपरेशनल वर्क के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ना तो टॉप लेवल मैनेजर्स का काम क्या है, सिर्फ नीतियाँ निर्धारण करना, मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम क्या है, जो नीतियाँ उन्होंने बनाई हैं उनको क्रियान्वित करवाना। जो क्रिया कौन कर रहा है, मतलब यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, लेबर कर रहे हैं या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कर रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या कह देंगे, ऑपरेटिंग लीडर्स बोल देंगे। ये कौन लोग हैं, प्रथम पंक्ति के जो लोग हैं वो ऑपरेटिंग लीडर्स हैं। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इनका कार्य और इनमें कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, कौन कौन से मैनेजर्स फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में आते हैं। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में आपके शाखा प्रबंधक, मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यालय अधीक्षक, ठीक है, मुख्य लिपिक, लेखाकार, निरीक्षक, फोरमैन, ये सारे लोग किस में आते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में आते हैं। अब फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट किसके ऊपर आता है, तो देखिए श्रमिक है, श्रमिक के ऊपर फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर के ऊपर कौन आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजर्स, फिर उसके ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है बच्चों, अब इनका कार्य क्या है, तो समझिए सबसे पहले जो संचालन करना है, जो नीतियां निर्धारित की गई थी टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा, जो इन्फॉर्मेशन इनके पास आई है, जो ऑब्जेक्टिव इनके डिसाइड हुए हैं, उनके लिए कार्य करना और वो कार्य को के लिए योजना तैयार करना, क्योंकि कार्य तो ये कर ही नहीं रहे ना, कार्य कौन कर रहा है, श्रमिक कर रहे हैं, तो ये योजना बना रहे हैं उसको कंप्लीट करवाने के लिए, उस कार्य को फिनिश करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए संचालकीय योजना बनाएंगे, ये कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, ये देखते हैं कि सही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर कोई गलतियाँ हैं उनके जो त्रुटियाँ हैं उनमें सुधार का कार्य करवाते हैं ये लोग। ठीक है, कार्य की समीक्षा करना, ये भी किसका काम है, लास्ट लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं, जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, उनका कार्य भी यही है कि वो कर्मचारियों के जो कार्य हैं, जो उन्होंने किया है अपना कार्य, उनकी समीक्षा करते हैं ये। फिर देखिए कर्मचारी हैं या जो श्रमिक हैं उनको उनका कार्यभार सौंपना, ठीक है, उनके बीच में एक संपर्क बनाए रखना, ये भी सारे कौन करते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो देखिए अगर मैंने बोला किसी श्रमिक है, कोई श्रमिक है उसको कोई परेशानी है, तो वो किसको इन्फॉर्मेशन देगा, अपनी परेशानी, अपनी शिकायतें, ठीक है, वो किसको देगा, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन देगा, ये अपनी शिकायतें बताएगा, ये सुझाव देगा। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किसको देंगे, मिडिल लाइन मैनेजर्स को, और मिडिल लाइन टॉप लेवल मैनेजर्स को। ठीक है, फिर देखिए दैनिक कार्य के प्रभाव में नियंत्रण करना, जो दैनिक कार्य है उसमें कंट्रोल करना, ठीक है, कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देना, यहाँ पर कर्मचारियों को, जो कर्मचारी यहाँ पर बात की जा रही है, श्रमिक कर्मचारी हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और इनको ट्रेनिंग कौन देता है, आपके लास्ट मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स देते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, ये कंटिन्यूटी एक संबंध बनाए रखते हैं, संप्रेक्षण बनाए रखते हैं, जिससे श्रमिकों की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है उनकी जानकारी का निपटारा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के द्वारा इजीली हो पाता है। ठीक है, और कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, जो कर्मचारी है उन्होंने कितना कार्य किया है उसका मूल्यांकन करना, ये सारे कार्य किसके अंदर आ जाएंगे, आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के अंदर आ जाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना जो मैनेजर्स हायरकी है वो क्या है, पदानुक्रम क्या होते हैं, ये किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, तो मैंने आपको बताया प्रकार तीन हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। ठीक है, लो लेवल को हम फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, इनके मैंने अलग अलग कार्य भी आपको बताए। आज के लिए बस इतना ही, बने रहें ई कक्षा के साथ, थैंक यू। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 12 में गणित विषय में संयुक्त फलन, आरबीएससी की क्लास 12 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संयुक्त फलन। इसके अब तक टोटल हमने भाग 3 पढ़ लिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भाग 4। अच्छा, भाग 3 तक बच्चों ने क्या पढ़ा, इस संयुक्त फलन के बेसिक्स, यानी कि हमने पढ़ा बच्चों फलन के बारे में, फलन क्या होता है, हालांकि 11th क्लास में पढ़ा था लेकिन एक बार मैंने 3 वीडियोस बनाकर तुम्हें उसको रिकॉल करवा दिया। ठीक है, फलन के प्रकार हमने पढ़ लिए,
फलन के प्रांत, परिसर, सहप्रांत पढ़ लिए, और आशा करता हूँ वो तीनों वीडियोज आपके ढंग से समझ आ गए। यदि किसी ने वो तीनों वीडियोज नहीं देखे तो आगे आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप एक बार रिक्वेस्ट है मेरी, सभी पहला दूसरा तीसरा वीडियो ढंग से देखें। अब चलते हैं भाग चार की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन के बारे में। तो बच्चों देखिए, अरे सर तो बहुत ही अच्छा डायग्राम नजर आ रहा है, अभी डायग्राम है तो मैं समझाता हूँ, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों देखो, ए के सभी अवयवों का है ना, यानी कि ए समुच्चय के अवयवों का एफ प्रतिबिंब बी है, बोलो हाँ या ना, यानी कि हम बोल सकते हैं एक फंक्शन है बच्चों ए से बी में, एक फलन परिभाषित है ए से बी में। बी समुच्चय के सभी अवयवों का जी प्रतिबिंब बच्चों कौन है, सी, बोलो हाँ या ना, ठीक है, यानी कि एक फलन जी है कहां से बच्चों, बी टू सी। तो बच्चों ए समुच्चय के अवयवों का कोई संगत प्रतिबिंब कोई न कोई अवयव सी में भी विद्यमान होगा, होगा नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं इनका संयुक्त फलन, जिसको हम किससे शो करेंगे, गॉफ, जी ओ एफ है ना, यानी कि जो गॉफ होगा ना इनका संयुक्त फलन, वो बच्चों कहां से कहां तक होगा, ए से सी तक होगा, ए टू सी। बात समझ में आ गई, अब देखो इसको थ्योरी से बन और देख लेते, इसको पढ़ लो फटाफट से, जो मैंने पढ़ाया ना, जो मैंने समझाया ना अभी तुम्हें, वो एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन अब समझ में आ जाएगा ये लिखा हुआ। अगर मैं डायरेक्ट ये वाली स्लाइड तुम्हारे सामने पेश करता तो तुम्हें समझ में कम आता बच्चों, अब समझ में आ जाएगा। जाओ, एक फलन ए टू बी, दूसरा जी बी टू सी, इस प्रकार है कि ए के प्रत्येक अवयव का एफ प्रतिबिंब बी में है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए से बी का एफ ए के प्रत्येक अवयव का एफ प्रतिबिंब बी में, बी के जी बी के प्रत्येक अवयव का जी प्रतिबिंब सी में, तो इनका भी रिलेशन होगा, दैट इज गॉफ। बस यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, और पढ़ लेना आगे आ जाओ। ए के प्रत्येक अवयव के संगत सीमे का अवयव होगा, इस प्रकार जी तथा एफ के संयोजन से समुच्चय ए से सीमे एक नया फलन प्राप्त होता है, इस फलन को एफ तथा जी का संयुक्त फलन कहते हैं, जिसको निरूपित करते हैं ऐसे। क्लियर है, जैसे यहाँ पर देखो एक बार, x a से बिलोंग करता है, y b से बिलोंग करता है, z c से बिलोंग करता है, तब y क्या होगा, y होगा fx, ठीक है, अच्छा z क्या होगा, z होगा gy, बहुत आसान है। तो गॉफ के लिए क्या करेंगे, पहले fx की वैल्यू कहाँ रखेंगे, g वाले फंक्शन में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब सर ये चीज़ें तो मैं एग्जांपल से समझ में आएगी, जो हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, तो बच्चे उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप देखें, उससे पहले आप ये थ्योरी पूरी नोट डाउन कर लें बच्चों, बिल्कुल आराम से डायग्राम बना लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, संयुक्त फलन और संयुक्त फलन कैसे बनेंगे वो मैंने पूरा तुम्हें डिटेल से इससे समझा दिया। तो बच्चों जुड़े रहिए ई विद्या से, नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों। आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में लेखा शास्त्र विषय में लेखांकन एक परिचय भाग 3 व 4, कक्षा 12 में व्यवसाय अध्ययन विषय में प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर प्रबंधकीय पदानुक्रम, गणित विषय में संयुक्त फलन। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में रसायन विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ व कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में घनीय इकाई कोष्ठिका के प्रकार संकुलन क्षमता SCC। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 313001।